गाइस वेलकम टू माय चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ रोटी पर घी लगाकर खाने के फायदों के बारे में। आमतौर पर ज्यादातर लोग रोटी पर घी लगाकर ही रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोटी पर बिना घी लगाए ही उसका सेवन करते हैं। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि घी का सेवन करने से शरीर का मोटापा बढ़ता है, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घी खाने से आपके शरीर को काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप घी का सही तरीके से सेवन करेंगे तो यकीनन इससे आपके शरीर का मोटापा नहीं बढ़ेगा। वैसे भी अगर आप रोटी पर घी लगाकर खाएंगे तो इससे आप काफ़ी चुस्त दुरुस्त महसूस करें। तो चलिए अब हम आपको इसके फायदों के बारे में विस्तार से बताते हैं। गाइज, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप रोटी पर घी लगा के खाएंगे तो इससे न केवल आपकी रोटी स्वादिष्ट हो जाएगी बल्कि इससे आपको पेट दर्द की समस्या भी नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेट दर्द की समस्या ना हो तो आप रोटी खाने से पहले उस पर घी जरूर लगाएं। इसके अलावा इससे शरीर को खूब ताकत भी मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें रोटी पर घी जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शारीरिक रूप से काफ़ी ताकत मिलेगी और आप खुद को शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में लोग पौष्टिक चीज़ों का सेवन कम करते हैं और जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण आज के समय में लोग बढ़ती उम्र से पहले ही कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जंक फूड खाने से हड्डियों को मजबूती नहीं मिलती जो घर की रोटी और घी खाने से मिलती है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हर रोज रोटी पर घी लगा के खाने से आपकी हड्डियां खूब मजबूत होती है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा इससे बाल झड़ने की समस्या भी कम होती है। ऐसे में आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल एक घी और रोटी में कितने सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए अगर हो सके तो रोटी खाने से पहले उस पर घी जरूर लगाएं और फिर रोटी का सेवन करें। इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। तो गाइज, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।